Hey guys, good evening. Welcome back to Mommy and Flurry Tale. And here is QQ, जिनके लिए आप लोगों ने इतना सारा blessings, प्यार और इतने सारे good wishes भेजा है. Actually, इसके बाद directly Spain की information वाला video shoot करने वाली थी. But last vlog में I got so many comments asking for Kiara's status update. वो कैसी है, उसका condition कैसा है. I thought of making a vlog. बीच में एक छोटा वाला vlog मैं बना दूँ ताकि आप लोगों को पता चले, आप लोग Kiara को देख पाओ. So here is my Kiara who is dealing with her pain very smartly and healing with a lot of swag. और उसके चक्कर में मामा डैडी के लिए 24 hours भी कम पड़ रहा है. हमें लग रहा है दिन अभी 48 hours का हो जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा. कि शी हैज बिकम सुपर फासी विथ अ फूड. तो मामा डैडी एंड फ्लरी हम तीनों मिलके संभाल रहे हैं हमारी छोटी सी क्यू क्यू को. आज का डेट है 10th of July. कियारा का ऑपरेशन हुआ था 6th of July. तो अगर ये वीडियो कोई नए व्यूअर देख रहे हैं, सो वी आर कियारा गॉट स्पेड ऑन 6th of July. इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने उसका डिटेल शेयर किया था, आप जाके देख सकते हो. टेक्निकली 4th day है पोस्ट सर्जरी और वो डेफिनेटली बेटर है, बट अभी भी पूरा नॉर्मल नहीं है. हाँ, उस दिन जैसे आप उसको बिल्कुल ड्राउजी देख रहे थे वैसा तो नहीं है, उससे कब बहुत ही बेटर है. मेडिकेशंस चल रहा है, इंजेक्शंस चल रहा है और आज है कियारा का सेकेंड ड्रेसिंग. फर्स्ट ड्रेसिंग हो गया है 8th को. मैंने इसके बीच में और व्लॉग नहीं किया क्योंकि सच में मुझे टाइम नहीं मिला. आज मैं सुबह से सोच रही हूँ व्लॉग करूंगी, बट व्लॉग शुरू करते करते इवनिंग हो गया. मामा डैडी इज सुपर एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड. क्यूटली थैंक यू फॉर सेंडिंग मी सो मच ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स. थैंक यू. आई एम डूइंग मच 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 बेटर एंड इन द नेक्स्ट व्लॉग आई विल बी फिट एंड फाइन. बोल दो तो बाबा सबको एक बार. बाबू बोला क्या सबको? बोल दो तो बाबू डैडी. डैडी उसका एक्चुअली अभी रात में जब भी सोना है या दोपहर को सोना है तो एकदम साथ में चिपक चिपक के सो रही है. एकदम चिपक चिपक के सुपर पैम्पर्ड नाउ. अब जब ठीक हो जाएगी उसके बाद भी अगर ये आदत रह जाता है. नहीं, उस इस आदत से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट खाने वाली जो आदत अभी बन रही है उससे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है. क्योंकि हम नहीं चाहते हैं वैसे आदत ज्यादा दिनों के लिए बने. आज का वीडियो मेनली मैं इसलिए बना रही हूँ कि कियारा कैसी है ये आप सबके साथ शेयर करने के लिए. मेनी ऑफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू गेट योर बेबी न्यूटर्ड और स्पेड. तो आप लोगों ने भी बोला है कि श्रीदीपा हमें भी बहुत नर्वस लग रहा है सब कुछ देख के. बट ऑफकोर्स ये एक नर्वस सिचुएशन है. अपने बच्चों को ऑपरेशन थिएटर में भेजना और ये पता होना कि एक सर्जरी होगा, ये ऑफकोर्स किसी के लिए भी एक नर्वस एक्सपीरियंस होने वाला है. बट क्या है कि जो करना है अगर आप डिसाइड करते हो एंड उनके अच्छे के लिए है तो इतना तो थोड़ा सा ये 10-15 दिन का ही स्ट्रेस है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा. अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा. बट इसलिए मैं ये ब्लॉग और ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि अगर मेरे लास्ट ब्लॉग ने आपको नर्वस किया है तो मैं चाहती हूँ इस ब्लॉग में आप अच्छे से मेरे एक्सपीरियंस को भी जानो. सर्जरी के बाद 2 दिन कियारा बहुत ही डाउन थी. हम लोग भी बहुत ज़्यादा इसलिए टेंशन में थे, बट हमें समझ में आ रहा था कि वो धीरे धीरे बेटर होगी. बट उसके बाद वो थोड़ा बेटर होने लगी है. नॉर्मल नहीं हुई है, ऑफकोर्स नॉर्मल होने में टाइम लगेगा. जैसे वो भागती है कूदती है वो सब तो अभी वो बिल्कुल नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहिए, करने देना भी नहीं चाहिए. जितना हो सके वो रेस्ट ले, आराम से रहे तो उतना ज़्यादा उसका हीलिंग होगा. तो फर्स्ट ड्रेसिंग के बाद डॉक्टर से हमें फीडबैक अच्छा मिला है और देखते हैं आज सेकेंड टाइम उसका ड्रेसिंग होने वाला है. तो ये सब को लेके उसको संभालना क्योंकि ये सब उसके लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस है और वो भी देख रही है कि हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है. बट आई थिंक जब उसका ये इंजेक्शन दवाई सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तब उसको थोड़ा सा और बेटर फील होगा कि हाँ चलो अभी सब कुछ ख़त्म हो गया है, मैं भी बेटर फील कर रही हूँ. बट अभी क्या है, अभी कुछ ना कुछ उसके साथ हो ही रहा है. एवरी डे उसका इंजेक्शन चल रहा है या ड्रेसिंग हो रहा है एवरी ऑल्टरनेट डे. तो ये सब सिचुएशन उसके लिए भी थोड़ा स्ट्रेसफुल है और हमें बहुत पेशेंट होना पड़ रहा है उसके साथ. खाबो तो क्यों क्यों खाबो तो जाओ खेलो. ओ ये चिकन ले फ्रेश चिकन. खेलो हाँ जाओ खेलो. के खावे प्लाडी खावे ना क्यों खावे के खावे क्यों
कियारा खा तो रही है बट उसका एपेटाइट बहुत कम हो गया है। उसको जितना चिकन दिया गया था उसका हाफ खाइए, अभी पेट भर गया है तो हम बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे, है ना बाबा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? वेरी गुड गर्ल फ्लाडू। इस चक्कर में हमारी फ्लाडू को थोड़ा इस तरह फूड मिल रहा है। देखती है कि क्यू ने पूरा खाना खाया है कि नहीं। अगर क्यू खाना छोड़ देती है तो फ्लरी को लगता है अरे खाना क्यों वेस्ट होगा। हाँ, तो हम खाना नहीं वेस्ट करेंगे, है ना? मैं मामा डैडी की एकदम अच्छी बच्ची हूँ, मैं खा लेती हूँ। क्यू आई लव यू अग्यू। क्यू गोगो एस्टे ना की देख तो अभी एटलीस्ट ऐसे बात करने पे रिस्पॉन्ड कर रही है। फर्स्ट 2 दिन वो सिर्फ सोना जाती थी और हमने भी उसको जम के सोने दिया क्योंकि वो नींद बहुत ज़रूरी था, स्पेशली आफ्टर द एनेस्थेशिया। और उसका इफेक्ट जो था उसको जाने के लिए उसको अच्छे से सोना और सर्जरी का जो स्ट्रेस है उसके लिए बहुत ज़रूरी था। अभी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि हुआ ऐसा है कि हमें थोड़ा स्ट्रेस में है ना हम लोग थोड़ा सा, ऑब्वियसली फॉर कियारा एंड ऑल्सो फॉर डिफरेंट अदर रीजन। जैसे आपने पहले वाले ब्लॉग्स में भी देखा होगा कि आई डोंट नो ये कैमरामैन ठीक से आ रहा है, देखो कैमरामैन ठीक से आ रहा है। हाँ, अभी हम फोन में शूट कर रहे हैं, फोन में शूट कर रहे हैं, तो देख के स्ट्रेस है। तो वो सब स्ट्रेस है, कैमरा बीच में खराब हो गया, तो बहुत सारा चीज चल रहा है इसके दौरान। तो हमने सोचा कि थोड़ा अपने आप को खुश करते हैं। अपने आप को खुश करने के लिए सबसे अच्छा चीज है खाना, जिसमें हम लोग खुश होते हैं इंस्टेंटली। तो हमने क्या किया, हमने मटन चॉप एक पीस बाहर से, इट्स कॉल्ड 6 बालीगंज प्लेस व्हिच इज अ वेरी वेल नोन ईटरी इन कोलकाता, तो वहाँ से हमने ऑर्डर किया है। वो आज खाएंगे थोड़ा सा, एक एक पीस खा के अपने आप को खुश करेंगे ताकि हमको थोड़ा सा एनर्जी मिले इन दोनों के साथ और जूझने के लिए। बट फ्लरी एज सच, फ्लरी इज बीइंग वेरी वेल बिहेव टिल नाउ। अभी तक उसने बहुत ही अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया है। कभी कभी उसको मन कर रहा है बहन के साथ खेलने का, बट सिचुएशन में फिर वो समझ जाती है कि अपने आप को संभाल लेती है, पता नहीं कैसे। बट फ्लरी इज़ सो यूज्ड टू गेटिंग बॉदर्ड, गेटिंग डिस्टर्ब्ड बाय कियारा दैट शी कैन नॉट हैंडल दैट कियारा इज नॉट इरिटेटिंग हर नाउअडेज। फ्रॉम लास्ट 4 डेज कियारा इज डूइंग नथिंग, कियारा इज नॉट पोकिंग फ्लरी, सो फ्लरी कैन नॉट टेक इट। तो अभी फ्लरी खुद जाकर थोड़ा सा कियारा को पुश करने की कोशिश करती है और समझने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है। बट अभी हम दोनों का यही काम है, जिसलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि एक को हमेशा दोनों के साथ अटेंटिव रहना पड़ता है। दूसरा अगर काम में बिजी है, पूरी तरीके से बिजी है, तो जैसे जब मैं खाना बनाती हूँ, मैं किचन में 2 बार जाती हूँ तो यहाँ पे 20 बार आती हूँ देखने के लिए सब ठीक है कि नहीं। क्योंकि और एक चीज होता है, जब खाना बनाना होता है तभी मेरा ऑफिस का काम भी चलता है, तो मैं भी उस टाइम पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ, तो ऐसा ही है। तो फ्लरी के साथ और कोई, फ्लरी तो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है। फ्लरी विल नेवर हर्ट एनीवन, नॉट ओनली कियारा, एनीवन इंटेंशनली। बट खेलते खेलते इफ नेल्स और किसी से चोट लग जाए तो वो एक डर है, इसीलिए हमेशा दोनों को थोड़ा नजर के सामने रखना पड़ रहा है। क्यों क्या ट्रीटी खा रहे शेक हैंड क्या? अच्छा जाओ बेडू, तो जाओ कोथाय शोबे कोदे जोबे क्योंकि शेक हैंड बाबू, शेक हैंड गुड गर्ल माय चोनू भाई। यहाँ पे हम लोग सब कुछ रेडी करके रखते हैं ताकि उसको आने के बाद और कोई टाइम ना वेस्ट हो। बट अभी कियारा को ना वहाँ पे मत बिठाओ, वो पहले से ही नर्वस हो जाती है। We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. 'Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. Very good guy. I'll keep you safe, I'll give you my everything. Even time is 12:35 in the night and पीछे इस लड़की को देख रहे हैं आप लोग? अभी मैं सुला के आई थी, लास्ट क्लिप में आपने देखा, 5 मिनट हुआ नहीं। एक्चुअली शी वॉज फीलिंग स्लीपी,
तो हमें लगा ठीक है एसी ऑन कर देते हैं, जाके सो जाएगी। हमारा पास और 10 मिनट बाकी था मास्टर शेफ के एपिसोड का, देख के हम सो जाएंगे। उस 10 मिनट में उससे रहा नहीं गया, भाग के इधर आई, अभी यहाँ पे बैठ के सब सुन रही है। क्योंकि सब सुन जाए। तो अभी हम लोग सो जाएंगे और फिर आप लोगों से कल सुबह मिलती हूँ। कियारा का अभी यही हाल है, कियारा को हम प्यार से ना कभी कभी क्यूटुली बोलते हैं, तो अभी हम क्यूटुली को चिपकुली कर दिया है। मैं उस दिन दीपालन को बोल रही थी कि मेरे पीछे एक डबल साइडेड टेप लगा दो और मैं इसमें कियारा को लगा लेती हूँ, कहीं नहीं छोड़ रही है। मैं आज ऐसे पी पॉटी तो अकेले मैं और दीपांजन हम जा नहीं सकते, उसको लेके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो बाहर बैठ के रोती है। आज दीपांजन थोड़ा बाहर गया था, तो हमारा कुछ काम था, तो सैटरडे उसका ऑफिस का काम नहीं रहता है, सो ही वेंट आउट टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। और मैं गई थी नहाने, अब नहाना तो पड़ेगा, मैं नहाने गई, देख रही हूँ बाहर बैठ के रो रही है ज़ोर ज़ोर से, अभी बाथरूम में नहीं ले सकती, भीग जाएगी। तो मुझे थोड़ा सा दरवाज़ा छोटा सा ओपन करके रख के, ताकि वो अंदर भी ना पाए पर मुझे देख पाए, वहाँ बैठ के पूरा देखी मुझे बेशरम लड़की, हाँ शेमलेस लड़की। तो फ्लरी जाके सो गई है, क्योंकि फ्लरी का रात को जब सुसु हो जाता है उसके बाद फ्लरी को सोना है, और कहीं ना है ना खुद ही उस रूम में चली जाती है वो सुसु के बाद, उसको बस एसी रूम चाहिए, एसी रूम में जाके सो जाएगी। हाँ। लेकिन कियारा का ये जो अभी नया चिपकुलापन आया है ना क्यूबुली का, क्यूचिपकू, उसके लिए क्या किया जाएगा? मेरे पापा बोल रहे ये आदत बन गया तो फिर तुम लोग क्या करेंगे ना, कुछ आदत नहीं बनेगा, वो अभी थोड़ी सी वो पैम्पर्ड होना चाहती है और थोड़ा अटेंशन चाहती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज शी सीक्स अ लॉट ऑफ अटेंशन नाउ। तो ठीक है कोई बात नहीं, इतना तो उसके लिए हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए भी सब कुछ बिल्कुल नया नया है। तो अभी हम सो जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत लग रहा है, मैं फैन ऑफ कर दिया है, तो कल सुबह फिर मिलेंगे। गुड मॉर्निंग, ए फ्लरी हुई, हाँ गुड मॉर्निंग हुआ, हाँ गुड मॉर्निंग हुआ, क्यों कहे क्यों कहे क्यों कहे क्यों कहे, गुड मॉर्निंग। ओ चूड़ी चूड़ी गुड मॉर्निंग बोले दो सबके, गुड मॉर्निंग बोले दो सबको, गुड मॉर्निंग कह दो। यस गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह बारिश चालू, cause we're in this together now, you and me together now, what's the point of living if we're scared to lose each other, what's the point of living with us? बहुत सारे साधना के बाद कियारा को खाना खिलाया गया है, बट नाउ द प्रॉब्लम इज कियारा डिडंट पूप फॉर लास्ट 4 डेज, टुडे इज द 5th डे। जिस दिन सर्जरी हुआ था उस दिन सुबह पॉटी की थी, उसके बाद पॉटी बंद है, तो ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स चलता है तो उसके लिए थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सो वी स्पोक टू द वेट, ही सेड कि हमारे पास जो मेडिसिन है अगर पॉटी कभी मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए वो 2.5 ml हम दे सकते हैं। वैसे उन्होंने कहा था कि जब भी ऐसे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो तो आप ये दे सकते हैं, बट क्योंकि अभी उसका बहुत सारा और मेडिकेशन चल रहा है, सो वी थॉट ऑफ आस्किंग हिम वंस एंड गेट इट कन्फर्म्ड एंड देन ओनली विल एडमिनिस्टर द मेडिसिन, क्योंकि अभी इतना मेडिसिन चल रहा है, दिन में 6 टाइम्स क्यू का मेडिकेशन चल रहा है, उसके ऊपर से मैं फिर से और एक मेडिकेशन ऐड कर दूँ, इसलिए नहीं। तो आज एक बार 2.5 ml देके देखती हूँ, ये मेडिकेशन बहुत अच्छा है, जिस दिन देते हो ज़रूरी नहीं कि उसी दिन ही पूप करे, बट हाँ एक दो दिन बाद कर ही देते। और कल ही जो मैं बोल रही थी कि फ्लरी इज मिसिंग दैट नॉटी है दैट कियारा डाज फ्लरी को बॉदर करती है, आज कियारा ने फ्लरी का विश फुलफिल कर दिया है, सुबह से फ्लरी के पीठ पे चल रही है। हाँ वेरी गुड गर्ल, क्यों क्यों एक किची करे दाओ तो सबाई के एक तो किची करे दाओ, किची 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 हमारा एक तो किसी करे दाओ तो किसी लाटू अचूत खाबो गो
हाँ, डॉक्टर अंकल ने कितना अच्छा दवाई दिया, यम्मी 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 यम्मी, वेरी क्यूट वेरी क्यूट वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। उसके जो खाने को लेके ये पसीने से हो सकता है उसका पेट क्लीन नहीं हो रहा है, इसके लिए भी है। हाँ हो सकता है, क्योंकि देखो जब मैं इतना कुछ करके फिर खाना खिला रहे हैं हम उसको, फिर वो खा रही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं खा रही है, खा रही है थोड़ा सा, बट उसको एक्चुअली उतना भूख नहीं लग रहा है ना, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ निकल नहीं रहा है ना, चार दिन कुछ नहीं निकला है। क्यों तो चार एक दिन ना निकला? अरे कब निकलेंगे भाई, से निकल जाओ हड्डी ऐसे जाओ This white sauce pasta was our lunch yesterday and the leftover pasta is going to work as our breakfast today. अभी हम भी ऐसे ही चला रहे हैं, जितना कम हो सके मैं खाना बनाने में एनर्जी डाल रही हूँ, जितना ना बनाने से नहीं चलेगा, बस आई एम डूइंग दैट। उसके बाद जो भी बना रही हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, ये इनाफ है हम दोनों के ब्रेकफास्ट के लिए, तो हम यहीं से ब्रेकफास्ट कर लेंगे। अभी उतना भूख भूख भी नहीं लगता है कि पूरे दिन जब आपके पास इतना सारा चीज़ हो ना करने के लिए, तो उतना याद नहीं रहता है कि कब खाना खाना है क्या करना है। बट येस्टरडे दीपांजल ने जो कहा था मटन चॉप, दैट वाज सुपर यमी, हमें पता था वहाँ का चॉप अच्छा होता है इसलिए हमने ऑर्डर किया था, बहुत ही टेस्टी था। और रात को सिंपल सा रोटी के साथ सब्जी वैसा ही खाना था। अब सोच रही हूँ कि दोपहर को क्या करूँ, फ्रिज में थोड़ा सा फिश करी है, दाल है, देखते हैं कुछ बना भी सकती हूँ नहीं भी बना सकती हूँ, प्रॉब्लम है रात को लेके, बट मन नहीं हो रहा है अभी खाना बनाने का। ये है के लिए कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ है अभी लंच के लिए, सब कुछ है लंच के लिए जो है हो जाएगा। हाँ ठीक है, विदाउट कैमरा दिस इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम टू शूट विथ योर फोन। इफ यू शूट इन योर फोन्स फ्रंट कैमरा देन द वीडियो क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी इज नॉट दैट ग्रेट, बट इफ़ यू शूट विद द बैक कैमरा दैट इज़ फाइन, बट बैक कैमरा में शूट करना बहुत मुश्किल है, आधा से ज़्यादा टाइम सर कट जाता है, मुँह कट जाता है, आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि आप अपने आप को देख नहीं पाते हो। सो लेट्स सी क्या होता है आज या कल के अंदर, हमें वो भी डिसाइड कर लेना पड़ेगा। दैट डे आई कुडंट शो यू गाइज द बेड प्रॉपरली, सो दिस इज़ द वन दैट वी गॉट। तो एनिमल प्लानेट से तो हम आ गए थे बिना खरीद के, क्योंकि वहाँ पे कॉल आ गया था वेटेश्योर से ही हमने लिया है उनके स्टॉक से। इसका जो यहाँ का कुशन है उसमें एक जिप कवर है, तो इसको क्लीन करना बहुत आसान है। एंड ये बिल्कुल ही कॉटन क्लोथ जैसे होता है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का वैसा है, तो बहुत सॉफ्ट है, समा के लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल है। एंड बेड काफ़ी स्टर्डी है और देखने में उतना अच्छा नहीं है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट दिस इज़ फंक्शनल एज ऑफ नाउ। कियारा इसमें बहुत अच्छे से फिट आ रही है, तो यही हमने उस दिन लिया था। अब कुशन ज़्यादा गंदा ना हो इसलिए हम ये दे के रखते हैं टॉवल हमेशा, और कियारा को अच्छा लग रहा है इसमें सोना, दैट्स इट। अभी बाद में अगर उसको पसंद ना आए तो चेंज करेंगे। और कियारा अभी कभी कभी इसमें भी आके सोती है, बेड पे चढ़ के फिर इसके ऊपर सोती है, पहले इसको छू भी नहीं रही थी। कियारा, ओ कियारा, इचो क्यों कहाँ सो रही है? हाँ आजकल उसको ये कॉर्नर बहुत पसंद है, जब भी अकेले रहने का थोड़ा बहुत मन होता है यहाँ पे आ जाती है। क्यों बाबा? शुद खाबो हो गया मामू। अब कियारा को ये भी गुस्सा है कि फ्लरी को सुन के देख रहे हैं कि उसके बॉडी में कुछ है कि नहीं, कि इंजेक्शन से उसको क्यों मिल रहा है, मेडिसिन से वो क्यों खा रही है। तो सुबह जो फ्लरी को लीवर का टॉनिक देती हूँ वो देख के आज काफ़ी खुश हो गए कि हाँ चलो वो भी खा के, बट सूंग लिया कि सेम मेडिकेशन है कि नहीं। हाँ बहुत चालू है, सूंग लिया कि सेम मेडिकेशन नहीं है, फिर उसको थोड़ा गुस्सा भी आ गया कि मेडिसिन तो दे रहे हो दीदी को बट ये सेम मेडिसिन तो है नहीं,
क्योंकि मैं तो मुंह पे जाके एकदम सूंख के आई अभी। ये कौन सा मेडिसिन है अभी, ये क्या है, इस टाइम पे तो नहीं होता है। तो सब मिलके हम लोग आ गए हैं आफ्टरनून को थोड़ा सा रेस्ट लेने, और आज का वीडियो भी यहाँ पे एंड करती हूँ। आप सब कियारा के लिए जितना सारा प्यार और ब्लेसिंग्स भेजा है, सबको 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 ढेर सारा प्यार और थैंक यू। मैं सबके कमेंट में शायद रिप्लाई नहीं कर पाई, बट सबको मैंने हार्ट भेजा था, और एक दो कमेंट्स थे जिसपे कुछ क्वेश्चन था, उसका मैंने ट्राई किया, जितना आंसर कर पाऊँ मैंने किया है, बट मेरे पास टाइम इतना कम था कि मैं बहुत ही हड़बड़ी में सारे कमेंट्स में रिप्लाई की हूँ, और वो भी बहुत लेट की हूँ। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट अभी थोड़ा सा टाइम को लेके क्रंच चल रहा है, बट द गुड थिंग इज़ एवरीथिंग इज़ गेटिंग बैक टू नॉर्मल स्लोली एंड स्टेडीली। सो होपफुली बहुत जल्दी हमारी कियारा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, और हम सब भी एकदम जो ट्रैक पे थे उसी में वापस चले जाएंगे। आप सब भी बहुत अच्छे से रहना, अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा मेरे तरफ से, एंड टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।